हेलो फ्रेंड्स, आज है टीचर्स डे, 5 सितंबर है आज। और आज के दिन मेरी बड़ी बेटी का बर्थडे पड़ता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर तैयारी करी है कुछ, जैसे कि अब हम खाना बनाएंगे तो खाने पे हमने शाही पनीर और मंचूरियन की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने शाही पनीर के लिए 3 प्याज, 4 टमाटर और 2 हरी मिर्च ले लिया है। इनको हम मोटा मोटा कट कर लेंगे। टमाटर को भी हम मोटा मोटा कट कर लेंगे क्योंकि हमें इन्हें पहले पकाने हैं, फिर उसके बाद हम प्यूरी बनाएंगे। अब हमने गैस पर कढ़ाई रखा है, उसमें तेल डाल दिया है। तेल को हल्का गर्म हो जाने पर हम इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा, 4 से 5 लौंग और काली मिर्च भी हम डाल देंगे इसमें 3-4। जब ये जीरा थोड़ा सा तड़क जाएगा तब इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। अब हमने इसमें प्याज और हरी मिर्च डाल दिया है। टमाटर को भी हम डाल देंगे, इसमें एक बड़ा टुकड़ा आ गया था प्याज का, उसमें उसको हमने कट कर लिया है। टमाटर को भी डालकर इसमें हम मिक्स कर लेंगे और 1/2 चम्मच नमक डालकर इसे सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। इसे सॉफ्ट होने तक पका लेंगे, इसे ढककर छोड़ देंगे। उसके बाद हम इधर मंचूरियन की तैयारी करेंगे, जिसके लिए हमने 3 गाजर, 4 शिमला मिर्च ग्रीन वाली और पत्ता गोभी लिया है। यहाँ पर ये मसाला भी सॉफ्ट हो गया था तो इसे ठंडा होने के लिए रख दिया है। तब तक इधर हम ये मंचूरियन की तैयारी करेंगे। मिर्च को भी हम इसे मोटा मोटा कट कर लेंगे क्योंकि हमें इसे ग्रेट करना है, बिल्कुल महीन करना है इसे। गाजर को भी हम इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लेंगे। और मंचूरियन की पूरी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। यहाँ पर हमने मिक्सी जार ले लिया है, इसमें चॉपर पे सारा डालकर हम इसे चॉप कर लेंगे। इसे हम मिक्सी पे अब चॉप कर लिए। ये देखिए इसका हमने पानी भी निकाल लिया है और पानी को हमने फेंका नहीं है। ग्रेवी हम उसी पानी से तैयार करेंगे। यहाँ पर वो मसाला ठंडा हो गया था जो शाही पनीर का था, इसे भी हम पीस लेंगे। मसाला हमारा इसके तैयार है। अब हम शाही पनीर की सब्जी बनाएंगे। इसके लिए मैंने मसाले को ऐसे ही कढ़ाई में डाल दिया है, सेम कढ़ाई में, क्योंकि इसमें तेल में ही हमने पहले पकाया था मसाले को तो तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, निम ही सब हो जाएगा। जब मसाला हमारा थोड़ा सा पकने लगेगा तब इसमें हम बाकी चीज़ें डालेंगे। जार पे हमने थोड़ा सा पानी डालकर इसमें डाल दिया था। यहाँ पे हल्दी डाल दिया है हमने 1/2 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच और लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच। इसे डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे
और इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें थोड़ा सा तेल नहीं आ जाए। और ये शाही पनीर मसाला है जो रेडीमेड है, इसे हम इसमें मिक्स कर देंगे डालकर। ये मसाला डालने से हमें और ये चीज़ें की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि काजू वगैरह या मिर्च के बीज जो डाले जाते हैं, इसमें सब रहता है। और ये एक कटोरी दूध है जिसमें मलाई भी है, ताजी मलाई। इधर हमारी चाय बन रही है शाम की, इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मलाई को भी इसमें। यहाँ पर हमने थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ी सी ही चीनी डाली है, टमाटर का जो खट्टापन होता है उसे बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे ये हाफ के जी पनीर है, इसे भी हम कट कर लेंगे। अपने हिसाब से पीसेस कर सकते हैं, हमने इसी तरीके से कट किया है। यहाँ पर देखिए ग्रेवी हमारी बनकर तैयार है बढ़िया से, और इसमें हम ये पनीर डाल देंगे, इसे मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा हमने जो पनीर बचा कर रखा है इसे हम थोड़ा कद्दूकस करके डाल देंगे, इससे बिल्कुल क्रीमी टेस्ट आता है ग्रेवी में। इसे कद्दूकस करके मिक्स कर देंगे ग्रेवी पे, बहुत ही टेस्टी बनता है। कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं, उससे भी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, पर मेरे पास इस समय नहीं था इसलिए मैंने नहीं डाला है। देखिए सब्जी हमारी ये बनकर तैयार है। अब यहाँ पर हम ये मंचूरियन की कुछ तैयारी कर लेते हैं। ये जो सब्जियाँ थी हम जो कस कर रखी थी, इसमें हमने नमक डाला है स्वाद अनुसार, और आधी टीस्पून इसमें हमने काली मिर्च पाउडर डाला है। ये कॉर्नफ्लोर है, इसे भी हम इसमें डाल देंगे। और हम मैदा भी इसमें यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर 2 से 3 चम्मच करीब कॉर्नफ्लोर हम यूज़ करेंगे, 2 ही चम्मच डाला है, और ज़रूरत पड़ेगी तो डाल देंगे। और ये मैदा है, 1 चम्मच हमने डाला है मैदा, मिक्स करेंगे, हमें और ज़रूरत पड़ेगी और डालेंगे। जब अच्छे से बॉल बनने लगेंगे, अभी नहीं बन रहे, इसमें हम और डालेंगे मैदा, 1.5 चम्मच हमने मैदा और डाला है। मीडियम साइज के बॉल बनाकर तैयार करते हैं, आप छोटे बड़े जैसा चाहें वैसे बना सकते हैं। ये देखिए हमारे सारे बॉल्स बनकर तैयार हैं, देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं। अब इस कढ़ाई पे हम तेल डाल देंगे, गैस हमने ऑन कर रखी है। तेल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तो मीडियम आंच पे इसे हम फ्राई कर लेंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, उन्हें एक एक करके डालकर उन्हें फ्राई कर लेंगे। देखिए बॉल हमारे फ्राई हो रहे हैं, हम आराम से इसे पलट देंगे। देखिए सारे बॉल्स हमारे बनकर तैयार हैं। तैयार है, इधर राइस भी हमारे बन गए हैं। मैं पूरी रेसिपी नहीं दिखाई है, इधर आटा लगा लिया है, तो अब हम पूड़ियाँ बना कर रख लेंगे। इस तरीके से लोई कर लेंगे,
रख लेंगे, क्योंकि फिर बाद में घर पे बेटी की फ्रेंड आएंगी, उन्हें भी देखना है। केक आ गया था, इधर हम पूड़ियाँ बना रहे हैं। देखिए फूली फूली पूड़ियाँ हमने बना कर रख ली हैं। इधर सब लोग आ गए थे, तो ये मेरी बहन है, ये मेरे जीजा जी हैं, यहाँ पर पापा जी भी बैठे हैं, ये मेरी बड़ी बेटी है, ये इसकी फ्रेंड है, और भी बच्चे आने थे जो अभी आए नहीं थे। लेट हो रहा था तो हमने केक कट करा दिया है। बाकी वीडियो बीच में हमने नहीं शूट किया, मेरी दीदी आ गई थी तो हो नहीं पाया बीच में, किसी की कॉल आ रही थी जिसके वीडियो नहीं बन पाई। जी को भी खिला रही, ये मेरे हस्बैंड जी हैं, मेरी बहन, यहाँ पर ये दोनों खाना खा रही थी, ये बच्चे खाने खा चुके हैं। काम पे ले गए थे तो वीडियो पे आए नहीं सामने, अभी हम सोचे थोड़ा सा मैं आपको भी थोड़ा शूट कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए।